हेलो फ्रेंड्स, अन्ना की रसोई में आप सबका स्वागत है। आज हमने बनाए हैं ये गोंद के पंजीरी लड्डू। इन लड्डुओं को कई घरों में पंजीरी लड्डू भी बोलते हैं, हमारे यहाँ इनको गोंद के लड्डू बोलते हैं। आपके यहाँ क्या बोलते हैं जरूर कमेंट में बताना। तो देखिए, आपको मैं दिखाती हूँ ये लड्डू, तोड़ करके भी दिखाती हूँ। अभी मेरे हाथ भी हो रहे हैं क्योंकि मैंने लड्डू बनाए हैं तो मैंने हाथ नहीं वॉश किए थे। और आपको मैं दिखा देती हूँ कितना बढ़िया, अंदर से भी कितना अच्छा लड्डू बना है, देख सकते हो आप। और मैंने ज्यादा घी भी नहीं लिया है। और ये करीब करीब 1 से 1.5 किलो, 1.5 किलो नहीं है तो 1 किलो से ऊपर ही है ये लड्डू बन चुके हैं। और थोड़े से सामान में ही गोंद के लड्डू आप आराम से इजीली बना सकते हो। तो चलिए फ्रेंड्स, बनाना शुरू करते हैं। ये मैंने देखो सब सामान लिए हैं, ये बादाम, काजू और ये खरबूजे के बीज हैं। और ये मैंने सफेद गोंद लिया है, और ये मैंने किशमिश लिए थोड़ी सी, और ये एक गोला है, और ये मैंने आटा लिया है, और ये मैंने सूजी ली है, और ये है घी, और ये है गुड़। तो आज हम बना रहे हैं, हमारी हड्डियों में जो दर्द रहता है, चूं चूं की आवाज आती है, हम बैठते हैं उठते हैं तो हमारी हड्डियां ऐसे कट कट की आवाज आती है हमारी हड्डियों के अंदर। तो ये जो गोंद है, इस गोंद के अंदर ये शक्ति है कि हमारी हड्डियों को गर्माहट दे सर्दियों के अंदर, और हमारी हड्डियां थोड़ी सी गर्माहट से ये कट कट की आवाज आनी बंद हो जाएगी। और इन लड्डुओं को आप खाओगे डेली, सुबह एक लड्डू खा लोगे या दो जिसकी कैपेसिटी है दूध के साथ में, तो ये लड्डू बहुत ही शक्तिशाली लड्डू वाले हैं। तो इसलिए ये मैंने सारे सामान आपको बता दिए हैं। तो अब हम शुरू करते हैं बनाना। ये मैंने कढ़ाई रखी है और गैस की फ्लेम मैंने देखो इस तरीके से रखी है, बिल्कुल मीडियम। तो गैस की फ्लेम अभी हमें मीडियम ही रखनी है। तो अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा घी। तो ये मैंने 3 चम्मच घी डाल दिया है अभी। तो सबसे पहले मैं डाल देती हूँ इसमें बादाम। तो बादाम को हम हल्के हल्के इनको चटकने तक भून लेते हैं। ये हमारे बादाम रोस्ट हो चुके हैं, देखिए ये हमारे बादाम रोस्ट हो गए हैं। और अब हम इनको निकाल लेंगे। तो मैं इनको निकाल लेती हूं। इसी के साथ मैं ये डाल रही हूं इसमें काजू, तो फिर हम काजू फ्राई कर लेंगे इसी घी के अंदर। इनको भी ऐसे ही मीडियम फ्लेम पर ही हमें करने हैं। ये हमने काजू भी फ्राई कर लिए हैं घी के अंदर, ये भी रोस्ट हो चुके हैं देखो। अब इनको भी हम निकाल लेंगे। अब हम डालेंगे इसमें ये किशमिश, तो किशमिश को भी हम ऐसे ही फ्राई करके निकाल लेंगे। जो हमारे ये ड्राई फ्रूट्स हैं, इनको हम घी के अंदर भूनते हैं तो इनका एक अलग ही सोखापन आता है। और एक दूसरी खास चीज और है कि जो इनमें कुछ जो सीलन होती है या फिर थोड़ा सा मॉइस्चर होता है तो वो इनके अंदर निकल जाता है। तो हमारे लड्डू कैसे भी रखो, किसी भी तरीके से आप इन लड्डुओं को आराम से 2 महीने तक भी, 3 महीने तक भी स्टोर कर सकते हो। और ये लड्डू बिना फ्रिज के भी ये लड्डू अच्छे से ठीक से रह सकते हैं। ये मैंने लिया है 100 ग्राम गोंद। तो ये गोंद बहुत ज्यादा शक्तिशाली है, इसमें बहुत सारी शक्ति है, पावर है इसके अंदर। तो इसमें कंकड़ वंकड़ निकाल ले, देख ले, पहले चेक कर ले। वैसे ये कंकड़ नहीं है, गोंद ही है, लेकिन ये ब्लैक ब्लैक हो रहा था तो मैं इसको निकाल देती हूँ। और ये सारा वैसे साफ ही है। तो अब हम इसको भी इसके अंदर डाल देंगे। तो ये घी थोड़ा सा ज्यादा पीता है तो इसमें थोड़ा सा मैं घी और डाल देती हूँ। तो मैं इसमें घी और डाल रही हूं अभी। तो ये मैंने घी इसमें और डाल दिया है, और अब हम इस गोंद को डाल देंगे। तो गोंद को हम अच्छे से पकाएंगे। ये देखो हमने गोंद डाल दिया है,
और गोंद को हम एकदम चलाते हुए अच्छे से पूरा पकाएंगे। इसको ठीक से फूलने देंगे गोंद को, ताकि हमारे दांतों में ये जब हम लड्डू खाएं तो चिपके नहीं। इस तरीके से हमें भूनना है इसको, और इसकी जो गर्माहट है वो भी तभी आएगी और ये तभी ठीक लगेगा, ये अच्छे से फूल जाएगा घी के अंदर तभी। देखिए हमारा गोंद फूलने लगा है, आप देख रहे हो वाइट वाइट हो रहा है, ये अब ये फूलने लग गया है। तो हमें ऐसे ही हमारी चम्मच चलाते रहना है और इसको पूरा अच्छी तरीके से फुलाना है। सर्दियों में अगर आप इन लड्डुओं को, इस गोंद के लड्डुओं को खा लोगे तो मैं सच बोल रही हूँ कि आपकी हड्डियों में दर्द बिल्कुल भी नहीं होगा, आपकी हड्डियां जो कट कट की आवाज करती है वो भी नहीं करेगी। और ये लड्डू बहुत ही फायदेमंद है, अभी नवंबर चल रहा है, दिसंबर जनवरी फरवरी तक ये आप लड्डू खा लेते हो तो बहुत ही फायदेमंद लड्डू बनेंगे इसके आपके शरीर के अंदर। आपको पता चल जाएगा 10-15 दिन में ही आप खाओगे तो हमारे शरीर के अंदर कितनी सारी, हमें दर्द होता था तो कितनी राहत मिली है। तो इनके लड्डू आप जरूर खाए, देखिए बातों ही बातों में हमारे लड्डू, सॉरी हमारा गोंद पूरा अच्छे से फूल चुका है, आप देख सकते हो। अब हम इसको पूरे को निकाल लेंगे, ये देखो कढ़ाई ही कितनी फैल रही है कढ़ाई के अंदर, और किस तरीके से कितना अच्छा लग रहा है, किस तरीके से हमें पूरा फुलाना है इसको, बिल्कुल भी इसमें कच्चापन नहीं रहना चाहिए। आप घी डाल लेना और इसको बिल्कुल इसी तरीके से फुलाना है, नहीं तो ये हमारे दांतों में चिपकेगा तो फिर ये अच्छा नहीं लगेगा और इसकी जो पावर है वो भी हमारे शरीर के अंदर नहीं काम करेगी। अब इसमें हम 2 चम्मच घी और डालते हैं और अब हम इसमें आटा सेकते हैं। अब हम इसमें डाल रहे हैं ये सूजी, हमारा आटा थोड़ा सा बारीक था तो हमने ये सूजी ली है। आप मोटे आटे से भी बना सकते हो और खाली सूजी से भी बना सकते हो, सूजी से भी ये लड्डू अच्छे बनेंगे। और ये मोटे आटे से भी, खाली आटे से भी बना सकते हो, आपका जैसे मन है वैसे बना सकते हो। और ये लिया है मैंने आटा, तो ये आटा भी मैं इसी के अंदर डाल देती हूँ। दोनों चीज मिक्स करके बहुत ही अच्छे बनेंगे, तो आप इनका दोनों का अगर मिक्सअप करते हो तो ये एकदम बेस्ट रहेगा। अभी इसमें हम घी और डाल देते हैं, क्योंकि अभी इसके अंदर थोड़ा सा सूखापन था तो मैंने इसमें घी और डाल दिया है। इस तरीके से हम इसको चलाते हुए मीडियम फ्लेम पर ही इसको भूनते जाएंगे। आप अपने हिसाब से क्वांटिटी बढ़ा घटा सकते हो, अगर आपसे ज्यादा नहीं बन पाते तो आप इसी तरह इतनी ही क्वांटिटी के बना सकते हो। ये सारा मिक्सअप मिला करके 1 kg से फालतू ही बन जाएंगे। देखिए हमारे आटे का कलर चेंज हो रहा है, आप देख सकते हो। बस ऐसे ही मीडियम फ्लेम पर इसको चलाते जाएंगे हम। अभी हम इसे थोड़ा सा और भून लेते हैं, क्योंकि मैं थोड़ा सा डार्क ही भूनती हूँ आटे को, आटे के अंदर कच्चापन नहीं रहना चाहिए। आपको जिस तरीके का आपको पसंद है उस तरीके का आप आटा भून सकते हो, लेकिन मेरा मानना यही है कि आटे को आप अच्छी तरीके से भूनेंगे तो वो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इसके अंदर कच्चापन नहीं रहना चाहिए आटे को। ये हमारा आटा देखो इस तरीके से सिक चुका है, अब इसमें अच्छी सी खुशबू आ रही है। और देखो मैं पास से दिखाती हूँ आपको, ये आटा कितना बढ़िया लग रहा है ये सिक करके। तो ये आटा हमारा सिक चुका है अच्छे से, बिल्कुल मीडियम फ्लेम पर मैंने इसको भूना है। अब हम इसके अंदर ये डाल देंगे खरबूजे के बीज, तो ये भी आटे के अंदर डाल देंगे, इसकी अच्छे से सिकाई हो जाएगी। और ये डाल देंगे हम गोला, तो गोले की भी अच्छे से सिकाई हो जाएगी, तो हम गोले को भी आटे के अंदर ही डाल देंगे, क्योंकि हमने गोले को भूना नहीं था
तो आटे के अंदर, गरम आटे के अंदर डाल देंगे, ये सिकता हुआ आटा है कढ़ाई के अंदर ही, तो इसमें हम डाल देंगे तो गोला और ये खरबूजे के बीज अच्छे से इसके अंदर ही गर्माहट से सिक जाएंगे और इनका मॉइस्चर भी निकल जाएगा। परात ली है और इस परात के अंदर मैं इस आटे को ऐसे ही निकाल दूंगी, तो ये मैंने आटा निकाल दिया है इसको। अब मैं इस कढ़ाई को, आटे की को ऐसे ही कपड़े से साफ कर लूंगी, क्योंकि हमारी कढ़ाई आटे की ही तो है। और अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा घी, तो ये हमने डाल दिया है घी। अब इसमें डाल देंगे हम गुड़, तो गुड़ को हम मेल्ट होने देंगे। देखिए हमारा गुड़ अच्छे से मेल्ट हो चुका है, ये हमने सारा गुड़ मेल्ट कर लिया है जो आपको दिखाया था। और अब मैं आगे की बात बताती हूँ बीच बीच की, क्योंकि हमने अभी ड्राई फ्रूट्स नहीं थोड़े से टुकड़ों में किए हैं, तो अब हम ड्राई फ्रूट्स को टुकड़ों में कर लेते हैं। तो ये ड्राई फ्रूट्स मैं मिक्सी के जार में डाल देती हूँ और इनको थोड़ा सा हल्का सा एक बार ग्राइंड करके लेके आते हैं। ये सारे ड्राई फ्रूट्स इसके अंदर डाल देंगे, गोला हमने पहले ही डाल दिया था, खरबूजे के बीज भी डाल दिए थे, और अब हम इसमें ये किशमिश भी डाल देंगे। अब हम इसी कढ़ाई के अंदर ये आटा वापसी डाल देंगे, क्योंकि हमारा गुड़ अच्छे से मेल्ट हो चुका है, तो अब हम ये सारा इसमें डाल देंगे। और ये मैंने सारा गुड़ परात में डाल दिया है और मैं इस लोड़ी से इसको ऐसे ही तोड़ लेती हूँ। मिक्सी के अंदर करेंगे तो जो इसका थोड़ा थोड़ा जो टेस्ट आएगा गुरगुरापन का, तो वो हमारे मुंह में नहीं आएगा, इसलिए हम इसको ऐसे ही लोड़ी लेकर के ऐसे ही इसको कर लेंगे। अगर आपके पास ऐसी कोई नई चीज है तो आप बेलन से भी कर सकते हो इसको, रोटी तो सभी के पास होता है, तो रोटी के बेलन से भी आप आसानी से कर सकते हो। अब ये सारा गोंद हम इसके अंदर डाल देंगे, तो सब चीजें हमने डाल दी है और अब हम इसको करेंगे मिक्स। और ये डाल रहे हैं हम इसमें बचा हुआ कटोरी में था जो घी, तो देखो फ्रेंड्स हमने ज्यादा घी भी नहीं लिया है और इतने सारे ड्राई फ्रूट्स भी मैंने नहीं लिए हैं, कुछ खास ही ड्राई फ्रूट्स लिए हैं। आप इसमें और भी ड्राई फ्रूट्स बढ़ा सकते हो, तो मैंने कुछ ही सामानों से कितने अच्छे और हमारी शरीर की इम्यूनिटी शक्ति बढ़ाने वाले लड्डू बना दिए हैं। तो देखो अब हमारा मिक्स मैं मिला लेती हूँ और आगे मैं बताती हूँ। ये मैंने सारा मिक्स देखो अच्छे से मिक्स कर लिया है, अभी बहुत ज्यादा गर्म है ये घी भी, जो सारी सब चीजें थी, जो सब चीजें मैंने अच्छे से मिक्स कर ली है। तो देखो ये, तो ये देखो इस तरीके का मिक्स हो चुका है और अब हम इसके बनाएंगे लड्डू। तो अभी ये थोड़ा बहुत ही गर्म लग रहा है, मेरे हाथ जल रहे हैं, देखो लाल हाथ हो चुके हैं मेरे, तो मैं फिर भी इसको मिला रही हूँ क्योंकि ये गुड़ गरम गरम ही मिलता है, क्योंकि अब हम इसे ठंडा कर देंगे तो हमारे लड्डू नहीं बन पाएंगे क्योंकि हमने इसमें कम ही घी डाला है। तो मैं इसको मिलाती जा रही हूँ फटाफट से, आप चम्मच से भी मिला सकते हो लेकिन चम्मच से अच्छे से मिलता नहीं है सारा मिक्सअप, तो इसलिए मैंने हाथ से ही मिला लिया है। तो अब इसके मैं लड्डू बनाने जा रही हूँ, तो देखो अब मैं इसके लड्डू बना रही हूँ। ये देखो मैं इसके लड्डू बना लेती हूँ, अब ये इसके लड्डू बनने चालू हो गए हैं। आप थोड़ी सी गर्म कष्ट तो होएगा आपको कि गरम गरम में ही बना रहे हो, क्योंकि गुड़ के लड्डू जब ठंडा हो जाता है गुड़, तो फिर उसके लड्डू बन नहीं पाते, नहीं तो फिर आपको घी और डालना पड़ेगा इसके अंदर। देखो ये लड्डू बन चुका है और मैं अब इस कढ़ाई के अंदर ही रख देती हूँ, मेरी कढ़ाई इस मिक्स की हो रही है तो मैं कढ़ाई के अंदर ही रख देती हूँ। फ्रेंड्स फैलावड़ा तो मेरा बहुत सारा हो चुका है लेकिन आज मैंने लड्डू बना ही लिए हैं, इसमें मेहनत बहुत ज्यादा होती है लेकिन मेहनत के साथ साथ इसमें सुबह सुबह जब दूध के साथ आप लड्डू खाएंगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा, आपकी मेहनत हसूल हो जाएगी और आप इतना अच्छा फील करेंगे कि आपके शरीर के अंदर थोड़ी सी
ताकत सी आ जाएगी और आप इन लड्डुओं को खाओगे तो बहुत ही अच्छा महसूस करोगे। मैंने इस तरीके के बनाए हैं, आप बड़े भी बना सकते हो और इससे भी छोटे बना सकते हो। इसी तरीके से मैं सारे लड्डू बना के दिखाती हूँ आपको। देखिए मैंने सारे लड्डू बना लिए हैं और हमारे सारे लड्डू बन करके तैयार हो गए हैं। तो ये लड्डू हमारे बन चुके हैं। देखो हमने कढ़ाई के अंदर ही रख लिए थे, अभी मैं डिब्बा रखी नहीं यहाँ पर क्योंकि मेरे को बहुत सारा सामान फैल गया मेरा, इसलिए मैंने कढ़ाई हो रही थी तो मैंने कढ़ाई में ही लड्डू बना लिए हैं। तो देखिए ये लड्डू कितने बन करके रेडी हुए हैं आपको दिखाती हूँ मैं। 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 2, 12, 2, 14, 2, 16, 2, 18 लड्डू बन करके रेडी हो गए हैं और थोड़े से सामान में ही बन गए हैं ये लड्डू। तो आप आराम से इन लड्डुओं को, जो हमारे लिए फायदेमंद हैं सर्दियों में गूंद के लड्डू, इजीली बना सकते हो। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स।